सो गाइस, पीसी बिल्ड करना है आपको 4K गेमिंग के लिए। अब 4K गेमिंग, जैसे हम लोग वर्ड सुनते हैं कि 4K रेजोल्यूशन पर गेमिंग करनी है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो कि पुराने मिथ्स चलते हुए आ रहे हैं या मिसकंसेप्शंस लोगों के मन में है, उसकी वजह से ये सोच लेते हैं कि 4K गेमिंग पीसी बनाना है तो भाई पैसा जो है, बजट जो है, वो तो बहुत ज्यादा होना चाहिए। प्रोसेसर की भी बात करें तो राइजन 9 या फिर इंटेल कोर i9 से नीचे तो बात ही नहीं होनी है। ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो भैया टॉप ऑफ द लाइन लेना ही लेना है, RTX 4090 के बिना तो बेकार है। या फिर AMD में जाए तो रेडियन RX 7900 XT के बिना तो काम अपना होगा ही नहीं। और रैम भी कितनी चाहिए, 128 GB रैम तो होनी ही चाहिए, क्यों भाई 4K पर गेमिंग करनी है ना। तो आपको याद होगा कुछ मंथ्स पहले मैंने दो वीडियोस करी थी जो कि बिल्ड गाइड वीडियोस थी कि अगर आप 1080p गेमिंग पीसी बनाना चाह रहे हैं, कैसे बजट में रहते हुए आपको राइट सेट ऑफ कंपोनेंट्स चूज करने हैं। सिमिलरली अगर एक 1440p गेमिंग के लिए पीसी बनाना चाह रहे हैं या फिर 2K रेजोल्यूशन पर गेमिंग करने के लिए पीसी बनाना चाह रहे हैं, कैसे कैसे कॉम्पोनेंट्स चूज करने हैं, तो इस वीडियो को भी यू कैन कंसिडर एज अ 4K गेमिंग पीसी गाइड की बजट में रहते हुए कैसे राइट सेट ऑफ कॉम्पोनेंट्स चूज करने हैं। ऑल्सो दिस इज द AMD एडिशन, तभी आप सब कुछ लाल लाल देख रहे हैं। आने वाले कुछ डेज में हम लोग एक इंटेल एडिशन पर भी ऐसी वीडियो करेंगे अगर आप बोलेंगे तो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आकर बताना मत भूलना कि इंटेल के ऊपर भी आप ऐसी वीडियो चाहते हो जिसमें हम लोग इंटेल एंड मीडिया कॉम्बिनेशन यूज करें, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो भाई, अगर इस बिल्ड गाइड को फॉलो करोगे तो आई अश्योर यू कि 1,20,000 रुपए के आसपास थोड़ा बहुत कटौती करके, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज अपने बजट में, थोड़ा सा कॉम्पोनेंट में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो 1,20,000 रुपए के आसपास आप एक ऐसा गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं जो कि किसी भी AAA गेमिंग टाइटल में 4K रेजोल्यूशन पर आपको अच्छी खासी बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस वाली गेमिंग परफॉर्मेंस दे दे। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। नंबर वन कंपोनेंट जहां पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस द प्रोसेसर, प्रोसेसर कौन सा चूज करना है। गलत फहमी है ये लोगों की जो कहते हैं कि अगर एक 4K गेमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको टॉप ऑफ द लाइन सीपीयू ही लेना है, राइजन 9 ही होना चाहिए या इंटेल कोर i9 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको याद होगा जब मैंने अपना वो 2K रेजोल्यूशन वाला गेमिंग पीसी बिल्ड वीडियो गाइड किया था तो वहां पर मैंने एक पॉइंट बोला था जो कि था कि एज सून एज वी बंप अप द रेजोल्यूशन, जैसे जैसे हम लोग रेजोल्यूशन को हाई करते जा रहे हैं अपने गेमिंग रेजोल्यूशन पर, आगे बढ़ते जा रहे हैं 2K, 4K, वैसे वैसे जो आपके गेम्स हैं, दे स्टार्ट टू बिकम मोर GPU बाउंड रादर देन CPU बाउंड, ठीक है। उस चीज़ को हम लोगों ने बात करी थी, आज मैं आपको डेमो में भी दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये जो PC आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें मैंने यूज़ किया है AMD Ryzen 5 7600X प्रोसेसर। जी हाँ, सही सुना आपने, 6 कोर 12 थ्रेड वाला CPU है और ये भी 4K गेमिंग के लिए मच मच मोर देन इनफ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेमो में मैं इसमें शेडो ऑफ द टूम्ब रेडर रन कर रहा हूँ जो कि काफ़ी CPU इंटेंसिव गेम है एंड अच्छा खासा आपका CPU यूजेज जो है उसको ये चूसती है चलते टाइम। तो इस गेम के चलते टाइम आप देखेंगे जो CPU का मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो यूजेज जा रहा है दैट इज इन द 20s, मतलब मिड 20s में कह लीजिए, सिर्फ 22% से लेकर 25% ही CPU का जो यूजेज है वो जा रहा है एंड द GPU इज कॉन्स्टेंटली रनिंग एट 100% लोड। सो नाउ लेट अस गेट बैक टू द सेम फैक्ट जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी, एज सून एज वी गो टूवर्ड्स द हायर रेजोल्यूशंस गेम्स स्टार्ट टू बिकम मोर GPU bound rather than CPU bound। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रोसेसर को भी यूज करेंगे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, कोई भी AAA टाइटल अच्छी खासी सेटिंग्स के साथ में आप जो है मैक्स आउट कर पाएंगे सिर्फ एक 6 कोर 12 थ्रेड वाले प्रोसेसर को यूज करते हुए। विच ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसके नॉन एक्स वेरियंट के साथ भी जा सकते हैं। इस बिल्ड में हम लोगों ने एक्स वेरियंट का यूज किया है, मतलब कि राइजन 5 7600X का यूज किया है। आप चाहें तो राइजन 5 7600 भी चूज कर सकते हैं, तो वहां पर दो तरीकों से आप अपना थोड़ा पैसा और सेव कर सकते हैं। पूछो कैसे, बताता हूं कैसे। देखो, पहली चीज, जो प्रोसेसर्स के बीच का प्राइसिंग डिफरेंस है एक्स वेरिएंट के और नॉन एक्स वेरिएंट के, वो तो आप सेव करेंगे ही करेंगे। ऑल्सो जो नॉन एक्स वेरिएंट है वो आउट ऑफ द बॉक्स स्टॉक कूलर के साथ में भी आता है जिसको आप यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आप स्टॉक कूलर के साथ में अपने प्रोसेसर को चला सकते हैं तो आप कूलर की कॉस्ट को भी बचाएंगे, ऑल्सो आप जो प्राइस डिफरेंस होगा एक्स और नॉन एक्स के बीच में वो पैसा भी बचाएंगे। अब क्योंकि मैंने यहां पर जो था एक्स वेरिएंट यूज किया था तो मेरे लिए मैंडेटरी था एक आफ्टर मार्केट कूलर में इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहां पर आपको कोई स्टॉक कूलर नहीं मिलता, तो इसीलिए मैंने यहां पर यूज किया डीप कूल का AG400 प्लस आफ्टर मार्केट एयर कूलर। काफी सस्ते दाम पर आ जाता है, बहुत ही बजट फ्रेंडली प्राइसिंग पर आ जाता है एंड ट्रस्ट मी, बिल्कुल आपको वो जो हाई एंड AIO लिक्विड कूलर्स हैं उनकी तरफ ऑल द टाइम जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप लंबे घंटों तक कोई ऐसा टास्क नहीं कर रहे जिस पर आपका प्रोसेसर 100% लोड पर ऑल द टाइम रह रहा है, यहां पर हम देखा मोस्ट ऑफ द गेम्स में जो है 25% रहेगा, 50% ही प्रोसेसर का यूजेज जा रहा है, तो काम चल सकता है। फिलहाल कोई महंगा आफ्टर मार्केट AIO लिक्विड कूलर लेने की अभी जरूरत नहीं है आपको।
ऑल्सो इस पीसी में हम लोग किसी तरह की कोई ओवरक्लॉकिंग नहीं करने वाले, विच ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट नंबर टू, विच इज चूजिंग द राइट मदरबोर्ड इस तरह के पीसीज के लिए। तो मदरबोर्ड की बात करें, यहाँ पर मैंने यूज किया गीगाबाइट का B650M DS3H मदरबोर्ड। B650 चिपसेट बेस्ड एक एंट्री लेवल मदरबोर्ड है। अगर ऐसा ही पीसी बिल्ड आप कर रहे हैं, आई रिकमेंड यू कि जो सस्ते वाले A620 मदरबोर्ड्स हैं उनको स्किप करके थोड़ा सा और इन्वेस्ट करके आप एक एंट्री लेवल B650 बोर्ड ले लीजिए इस तरह का, और इसके साथ में आपका काम जो है चल जाएगा। अब ऑब्वियसली इस मदरबोर्ड का जो VRM सेक्शन है वो कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप इसको यूज करते हुए इस प्रोसेसर को ओवरक्लॉक कर लेंगे, ज्यादा ओवरक्लॉक या कहूं थोड़ा सा भी ओवरक्लॉक कर लेंगे, ओवरक्लॉकिंग आप इस पर नहीं कर सकते, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट आई विल टेल यू अ फैक्ट कि 95% ऑफ द इंडियंस जो कि अनलॉक प्रोसेसर्स को बाय करते हैं, भले ही वो इंटेल हो या वो AMD के हो, वो कभी उन प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करते ही नहीं है, क्योंकि उनको आउट ऑफ द बॉक्स इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाता है कि जो रिस्क जो कि ओवरक्लॉकिंग के साथ में इन्वॉल्व होते हैं लोग उनको लेना ही नहीं चाहते। 95% ऑफ द पीपल डू नॉट ओवरक्लॉक देयर अनलॉक प्रोसेसर्स। तो अब एक ऐसे केस में जहां ओवरक्लॉक तो करने नहीं वाले, ऑल्सो हमारा जो प्रोसेसर है वो कभी भी लॉन्ग ड्यूरेशन तक 100% लोड पर चल ही नहीं रहा है, तो ऐसे में इस मदरबोर्ड के साथ में भी या ऐसे सिमिलर मदरबोर्ड के साथ में भी जो कि MSI की तरफ से आता हो, ASUS की तरफ से आता हो, यू कैन इजीली पुल ऑफ द बिल्ड। आपको वही 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 जितना एक्सटेंड करके महंगे मदरबोर्ड की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, खासकर AM5 सॉकेट में जहां पर मदरबोर्ड्स आर सुपर प्राइसी, तो वहां पर आप इस तरीके भी सेव कर सकते हैं। ऑल्सो पर्टिकुलर पीसी जो आप देख रहे हैं ये इन्हीं सब कंपोनेंट्स के साथ में बना है, और इसकी प्राइसिंग वाज क्लोज टू 1,25,000 से लेकर 1,35,000, जो कि वेरी करती है आप क्या क्या चॉइसेस कर रहे हैं और किस टाइम पर आप परचेस कर रहे हैं। आप भी अपने लिए ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू विजिट www.techdreams.co.in, यहां पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्रीबिल्ड मशीन्स में से, या फिर कस्टमाइजेशन के लिए आप मेरी टीम के साथ में टच में आ सकते हैं व्हाट्सएप या फिर फोन कॉल के थ्रू। नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहे हैं, वहां से जाकर आज ही हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग ऑल ओवर इंडिया आपके डोर स्टेप पर शिप एंड डिलीवर करते हैं आपके सिस्टम को बिल्ड करके, उसको 8 आवर्स के लिए स्ट्रेस टेस्ट करके और उसके बाद अच्छे से पैक करके, ताकि आपकी मशीन आपके पास एज अ सेफ रेडी टू प्लग एंड प्ले ऑप्शन बन कर आए। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर हम एक 4K गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो यहाँ पर रहता है वो रहता है आपके ग्राफिक्स कार्ड का, GPU कौन सा सिलेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो ग्राफिक्स कार्ड और GPU आर टू डिफरेंट टर्म्स, तो कह लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड आप कौन सा चूज कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्राफिक्स कार्ड की जहाँ पर बात आती है, क्योंकि जब हम 4K रेजोल्यूशन पर गेमिंग कर रहे हैं, गेम्स आर गोइंग टू बी 100% GPU बाउंड, तो ग्राफिक्स कार्ड लेना बहुत जरूरी है जो कि अच्छा हो। तो ऐसा ग्राफिक्स कार्ड चूज करना जो कि पहली बात तो उतना केपेबल हो परफॉर्मेंस देने के, ऑल्सो जिसकी VRAM भी उतनी हो कि वो करवा पाए गेमिंग। तो इस केस में जो 8GB VRAM वाले अपने पास ऑप्शंस हैं, वो भले ही गेम्स को अच्छा खासा चला दें 4K रेजोल्यूशंस पर, बट क्योंकि जो AAA गेमिंग टाइटल्स हैं दे आर गेटिंग मोर मेमोरी इंटेंसिव, VRAM ज्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सटेंडेड VRAM यूजेज है वो एक लिमिटिंग फैक्टर उनके लिए अभी के टाइम पर भी मेजोरिटी ऑफ द गेम्स में और आने वाले टाइम में भी बनेगा, जिसकी वजह से आपको माइक्रो शटर्स दिख सकते हैं, आपको FPS ड्रॉप्स दिख सकते हैं। इसी वजह से एक हायर VRAM जो आप ग्राफिक्स कार्ड है उसको सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर क्योंकि हम AMD सेंट्रिक चल रहे हैं, AMD प्रोसेसर और AMD ग्राफिक्स कार्ड लेना चाह रहे हैं, तो मैंने यहाँ चूज किया AMD Radeon RX 7800 XT, जो कि कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था। दिस ग्राफिक्स कार्ड कम्स विद 16GB VRAM, सो 16GB VRAM साइज विल इंश्योर कि अभी के टाइम पर और आने वाले कुछ सालों तक भी आपका जो 4K गेमिंग परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर प्रूफ रहे, सिक्योर्ड रहे और अच्छा खासा FPS आप ड्रॉ कर पाए। जैसे कि यहां पर इस केस में मैंने इस पर Watch Dogs Legion रन किया, मैंने Shadow of the Tomb Raider रन किया, दोनों ही गेम्स जब हम लोग रन कर रहे थे जो ग्राफिक्स कार्ड था इसको यूज करते हुए किसी भी 4K गेमिंग टाइटल को, AAA गेमिंग टाइटल को, स्टोरी बेस्ड टाइटल को आप इजीली 70fps से लेकर 80fps का परफॉर्मेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पर हम लोग हाईएस्ट सेटिंग्स की बात कर रहे हैं, अल्ट्रा प्रीसेट जो रहता है उसकी बात कर रहे हैं, और किसी तरह का यहां पर मैंने FSR या फिर सुपर रेजोल्यूशन को रन नहीं कर रखा। वी आर टॉकिंग अबाउट नेटिव 4K रेजोल्यूशन, एंड ट्रस्ट मी नेटिव 4K रेजोल्यूशन पर अगर अल्ट्रा सेटिंग्स के साथ में वी आर गेटिंग एन FPS ऑफ 70-80 या फिर उससे ऊपर मेजॉरिटी ऑफ द AAA टाइटल्स में, तो ये हद प्लेएबल है, आपको हल्का सा भी स्टटर फील नहीं होगा, वो 150fps जाने की जरूरत नहीं है। RTX 4090 लेना इज नॉट मैंडेटरी। नाउ कम्स द रैम। अब रैम वैसे तो 16GB भी लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आपने देखा होगा गेम्स में जो रैम कंजप्शन था वो 11-12GB के आसपास ही चल रहा था, बट क्योंकि 16GB वाज द ओल्डर स्टैंडर्ड जब तक हम DDR4 प्लेटफॉर्म के ऊपर थे, अभी हम DDR5 प्लेटफॉर्म पर इस सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं, सो यू मस्ट चूज 32GB रैम। आजकल DDR5 मेमोरी की जो प्राइसिंग है काफी अफोर्डेबल हो चुकी है, इट इज वेरी क्लोज टू DDR4 मेमोरी, तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम बना ही रहे हैं जिससे आप फ्यूचर प्रूफिंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले कुछ सालों तक,
तो आई रिकमेंड यू DDR5 RAM का आप यूज़ करें और 32GB RAM के साथ में ही आप जाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पर XPG की तरफ से आने वाली उनकी लैंसर मेमोरी जो है 8GB मेमोरी, उसके दो मॉड्यूल्स यूज़ किए, 16-16GB के दो मॉड्यूल है, 6000 MHz फ्रीक्वेंसी के साथ में आते हैं एंड नाउ दिस इज गोइंग टू बी मच मोर देन इनफ आने वाले 2 से 3 साल के लिए इस सिस्टम में। अब इसके बाद बारी आती है स्टोरेज की, तो स्टोरेज मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने इतना अच्छा सिस्टम भी बना लिया, राइट सेट ऑफ कॉम्पोनेंट, परफेक्ट सेट ऑफ कॉम्पोनेंट्स चूज कर लिए लेट सपोज, लेकिन स्टोरेज पर कॉम्प्रोमाइज कर गए, स्टोरेज में वही हार्ड ड्राइव लगा दी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव, आपको कभी उसका ट्रू पोटेंशियल देखने को नहीं मिलेगा, ना सिस्टम रिस्पॉन्सिव रहेगा, ना सिस्टम स्नैपी रहेगा, प्रोसेस जो होंगी, जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस होंगे बहुत स्लो चलेंगे एंड कुछ ऐसी गेम्स जिनका साइज बहुत ज्यादा होता है उनको जब आप रन करेंगे आपको कहीं ना कहीं स्टटर जरूर मिलेंगे, क्योंकि वो डेटा जो है वो कॉन्स्टेंटली जो वो जो टेक्सचर्स वो जो रीड हो रहे हैं सब कुछ मैप हो रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव, और उसकी जो स्पीड है वो ही एक बॉटलनेक बन गई बाकी हार्डवेयर के लिए। तो इसीलिए एक SSD लगाना बहुत जरूरी है, आजकल तो रेट भी बहुत गिर गए हैं और खासकर Gen 4 NVMe SSDs के, तो एक Gen 4 NVMe SSD 500GB से लेकर 1TB जो भी आपके लिए इनफ स्पेस है उसको जरूर लगाएं, ताकि अपने इस सिस्टम का जो आपने पैसा खर्चा है उसका असली रंग, उसका असली मजा आप देख पाए। नेक्स्ट अप इज द पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को कभी इग्नोर नहीं करना, पावर सप्लाई इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कॉम्पोनेंट्स आपके PC बिल्ड में, मैं बोल बोलकर थक गया हूँ, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इग्नोर्ड कॉम्पोनेंट्स। अब जो इस बिल्ड में पावर सप्लाई लगा हुआ है उसका काम है हर एक कॉम्पोनेंट तक राइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज राइट टाइम पर पहुंचाना, अगर नहीं मिलेगी राइट अमाउंट ऑफ वोल्टेज राइट टाइम पर वोल्टेज में ड्रॉप्स आएंगे, फ्लक्चुएशंस आएंगी, क्या होगा, कंपोनेंट्स खराब होने का डर है, इतने महंगे कंपोनेंट्स लिए हैं खराब हो जाएंगे, कुछ बर्न हो जाएगा, कंपनी के एंड से वारंटी वॉइड हो जाएगी उसकी, तो डेफिनेटली आप लोग सफर करेंगे। तो इसलिए पावर सप्लाई अच्छी लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि यहां पर जो एक कार्ड है इसके साथ में रिकमेंडेड है कि 700 वॉट्स या फिर इससे ज्यादा का PSU आप यूज करें कोई अच्छे ब्रांड का, तो इसी वजह से मैंने यहां पर यूज किया है एंटेक की तरफ से आने वाला उनका NE850 Gold, न्यू इको सीरीज जो है एंटेक की काफी पॉपुलर है, उसी में ये 80+ Gold सर्टिफिकेशन के साथ में आने वाला पावर सप्लाई है जो कि फुली मॉड्यूलर एंड दिस इज बिल्ड बाय Seasonic, तो इसकी क्वालिटी जो है दैट इज अमेजिंग। तो भाई पावर सप्लाई में कटौती कभी मत कीजिए, क्योंकि देखिए वैसे दिवाली आ रही है और ऐसे दिवाली में आपके सिस्टम में दिवाली हो गई तो दिवालिया घोषित हो जाएंगे। नाउ लास्ट थिंग इज द केस। केस ऐसा होना चाहिए जो कि सारे कंपोनेंट्स को जो हम चूज कर रहे हैं उनको अंदर अकंपनी कर सके, उनको अपने अंदर इंस्टॉल करवा पाए। अब सपोज कीजिए मैं ले रहा हूँ 15,000-16,000 रुपए खर्च के केस, लिक्विड कूलर तो मुझे लगाना ही नहीं है 360mm का, या मेरा कार्ड तो उतना बड़ा है ही नहीं और एस्थेटिक्स भी कुछ उसमें ऐसे खास है नहीं जो मुझे सस्ते केस में नहीं मिल रहे, आजकल तो चॉइस ही इतनी हो गई है, आप देखेंगे तो 3,000 रुपए से केस शुरू होते हैं, 3,000 से 7,000 रुपए के बजट में बथेरे केस हैं जो कि सभी फीचर्स के साथ में आ जाते हैं, एस्थेटिकली प्लीजिंग भी लगते हैं। जैसे ये वाला केस जो आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रेवोल्यूशन सीरीज का एक कैबिनेट है एंड दिस कम्स अंडर 5,000 रुपीज, तो काफी सारे फीचर्स के साथ में आ जाता है, 4 ARGB फैंस मिल जाते हैं, लुक्स भी आप देख रहे हो अच्छे ही लग रहे हैं इस बिल्ड के, इसमें बना हुआ जो बिल्ड है, तो ऐसा ही कोई केस भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आप एक 4K गेमिंग PC बना रहे हैं तो आपको 10,000-20,000 रुपए केस पर खर्चने ही खर्चने हैं। तो दोस्तों कुछ तरीके जिनको फॉलो करके आप भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किए बिना एक अच्छा 4K गेमिंग केपेबल PC बना सकते हैं जो कि अल्ट्रा प्रीसेट के ऊपर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस बटरी स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस जो है दे दे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना, पसंद आई और वीडियो कीजिए लाइक, साथ ही शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को भी ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।